तो गाइस चलते हैं हम अपने चैप्टर में जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। हमारे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है वो है, इस इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन सी टिप्पणी पेड़ पौधे और जीवों की कमी का सही कारण नहीं है। तो इसमें हम इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा पशुचारण और ईंधन एकत्रित करना, ये सही कारण नहीं है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। इसमें हमारा हो जाएगा वन जीव पशु विहार परिसीमन। तथा आगे चलते हैं, इसमें हमें मिलान करना है निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग में मेल करिए। तो पहले हमारा जो है वो है जानवर या पौधे, दूसरा है अस्तित्व वर्ग। तो इसमें चलिए हम अपना मिलान करते हैं। तो पहला है काला हिरण, काला हिरण हमारा जाएगा संकट ग्रस्त में। तो आपको बता दें कि संकट ग्रस्त वे प्रजातियां होती हैं जिनका जिनके गायब होने का खतरा रहता है, इन्हें संकट ग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। इसके बाद है हमारा एशियाई हाथी, जो जो जाएगा एशियाई हाथी हमारा जाएगा सुवेद में। अब आपको बता दें कि सुवेद क्या होता है। सुवेद वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली गई जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। तो इसे ही सुवेद प्रजातियां कहा जाता है। इसके बाद हमारा है अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर ये हमारा चला जाएगा स्थानिक में। अब आपको बता दें स्थानिक क्या होता है। स्थानिक जातियां वे जातियां होती हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां हैं। वे ऐसी जातियां जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे देश से दूर, अपनी अपनी जलवायु अपने वातावरण से बहुत दूर पाई जाती हैं ये प्रजातियां। इसके बाद हमारा है हिमालयन भूरा भालू, भूरा भालू तो ये हमारा चले जाएगा दुर्लभ में, दुर्लभ। अब बता दें कि दुर्लभ प्रजातियां क्या होती हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदली गई तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। इसके बाद है हमारा गुलाबी सिर वाली बतख, ये चला जाएगा हमारा लुप्त में। लुप्त का मतलब आप जान ही रहे हैं, गायब। अगर ये प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो गायब हो चुकी हैं, इस समय नहीं दिखाई देती हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा मेल करना है, तो चलिए हम मेल करते हैं। हमारा जो आरक्षित वन है ये चला जाएगा वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। तो हमारा पहला वाला चले जाएगा इसमें। तो इसका मतलब क्या है, वन और वन्य जीव जैसे पेड़ पौधे और जंगली जानवरों को बचाने के लिए जो भूमि आरक्षित की जाती है, सुरक्षा जिसको प्रदान किया जाता है उसे ही आरक्षित भूमि कहा जाता है। इसके बाद हमारा है रक्षित वन, रक्षित वन क्या होता है। रक्षित वन हमारा चला जाएगा वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, वह भूमि जो अधिक क्षरण होने से बचाई जाती है जिसका फिर से नुकसान ना हो, इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए इसे रक्षित वन कहे जाते हैं ये। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद है अवर्गीकृत वन जो हमारा चला जाएगा इसमें। तो इसका इसमें क्या है, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। तो हमारा ये भी मेल समाप्त हुआ। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ये तो आंसर है उसका। फिर जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका हमारा आंसर है जैव विविधता, जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रिया किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात
और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं? तो इसमें हमारा आंसर है मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण बनती हैं। इसमें पहला है मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध कटाई करता है। ये बात भी सही है भैया कि मानव अपने स्वार्थ के लिए जो लकड़ियाँ प्राप्त करने के लिए, फिर खेती करने के लिए, फिर अपनी फैक्ट्री वगैरह खोलने के लिए जमीनों को, जंगलों को काटती है, पेड़ों को काटती है। इससे जो होते हैं वनस्पति जात उसका ह्रास होता है, प्राणी जात का भी ह्रास होता है क्योंकि वहाँ पर उनका निवास रहता है। इससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीव का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। जब उद्योगों, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। पशुओं के अत्याचार से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान बंजर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा है। पांचवे में पहला क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। तो इसमें हमारा आंसर है भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। इसमें हमारे देखिए 6 हेडिंग हैं, तो हम बारी बारी से 6 हेडिंग को देखेंगे। तो पहला है राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बांध रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। ये हमारा जो पहला है इसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बांध रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्य का विरोध किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इसके बाद अगला पॉइंट है हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया। ये हो गया। फिर इसके बाद राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी बनाई, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया और तथा बाहरी लोगों की घुसपैठी पर रोक लगाई गई। फिर उसके बाद चौथा जो हमारा आता है भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पेड़ों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल और वट। पांचवा है भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसा नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ। वैसे भाइयों आपको बताएं तो हमारे जो देश के मनुष्य हैं, जो लोग हैं, वो बहुत अंधविश्वासी भी हैं। वो सब ईश्वर ईश्वर में भावना रखते हैं अच्छे से। तो छठा नंबर है हमारा भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों की देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बड़ी कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो हमारा दो जो अगला क्वेश्चन है वो है वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। इसे आप अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। तो उत्तर है हमारा भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार है। हेडिंग 1, भारत के जनजाति लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमो रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट, देवी देवताओं का वन जिसे कहा जाता है। वनों के इन भागों या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में न तो स्थानीय लोग घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। तो इसके बाद कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों, महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियों शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं। तो इसके बाद भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, उसका आंसर ही है हेडिंग, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों
को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं। जैसे वे मंदिरों और अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। राजस्थान के बिश्रोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप ऐसे वीडियो को जल्दी से पा सकते हैं। अगर हमारी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए।